रिसेंटली लॉन्च किए गए दो क्लाउड गेमिंग एमुलेटर्स अभी बहुत ही तेजी से वायरल है और बहुत सारे क्रिएटर्स इन्हें बेस्ट भी बता रहे हैं। इसलिए आज हम इन्हीं दो क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशंस को ट्राई करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सच में ये एमुलेटर बेस्ट है या फिर नहीं। तो गाइस हमारा पहला एमुलेटर है हम सभी लोगों का पैरा एमुलेटर चिक्की का कॉपी वर्जन बिकी है। एमुलेटर आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड भी कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें GTA 5 के साथ साथ बहुत सारे हाई एंड गेम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि इन सारे गेम्स को ये चला भी पाता है कि या फिर दिखाने के लिए ही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने GTA 5 को प्ले किया और देखते हैं कि आखिर इसमें अपना गेम चलता है कि नहीं। लगभग 15 मिनट तक वेट करने के बाद यहाँ पर अपना गेम में एंटर हो चुका है, लेकिन इस एमुलेटर में एक प्रॉब्लम है जो कि चिक्की में भी बहुत फैलता है, वो फुल स्क्रीन का प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर देखो GTA 5 का स्टार्टिंग पे जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे कि ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, स्टोरी मोड हो गया, सेटिंग्स हो गए, उन ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि गेम पूरा का पूरा फुल स्क्रीन पे चल रहा है। इसलिए यहाँ पर अंदाज लगाकर क्लिक करना पड़ रहा है। अगर आपने एक दो बार GTA 5 को खेले हो तो आपको पता होगा कैसे होगा, लेकिन अगर आप पहली बार इसमें खेल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। थोड़ा बहुत अंदाज में क्लिक करने के बाद और थोड़ी देर तक लोडिंग होने के बाद यहाँ पर मेरा GTA 5 स्टार्ट हो चुका था और फर्स्ट मिशन भी चालू हो चुका था। और गाइस यहाँ पर मैंने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट मिशन मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि भाई इसमें ना गेम खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सिमुलेटर में मेरे को एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला, वही पिंग प्रॉब्लम। इसमें ना पिंग बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा था, भले ही आपके पास एक बहुत ही अच्छा इंटरनेट हो। हाई पिंग की वजह से यहाँ पर गेम भी लैग हो रहा था, लेकिन गेम लैग से ज्यादा यहाँ पर लेटेंसी ज्यादा था। दूसरे एमुलेटर्स की कंपैरिजन में इसका लेटेंसी थोड़ा ज्यादा ही था, जिसकी वजह से गेम खेलने को उतना ज्यादा मजा भी नहीं था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है। बाकी गाइस मैंने इसका फर्स्ट मिशन तो कंप्लीट नहीं कर पाया और यही थी इसके कुछ गेम एक्सपीरियंस के डिसएडवांटेजेस। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपको डेली का 15 मिनट का फ्री प्ले टाइम मिलता है और अगर आप उससे ज्यादा खेलना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और क्यू भी ज्यादा नहीं आता, बस 15-16 का आता है। क्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बंदे भी नहीं है ना। ओवरऑल गाइस एमुलेटर ठीक ठाक है। अगर आप GTA 5 के मिशन को कम्प्लीट करना चाहते हो, पूरी का पूरी गेम को ही कम्प्लीट करना चाहते हो, तो मैं इस एमुलेटर को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें फ्री प्ले टाइम के नाम पर सिर्फ 15 मिनट का प्ले टाइम मिलता है। अगर आप उससे ज्यादा खेलना चाहते हो तो आपको उससे पैसा देना पड़ेगा और पैसा देकर भी उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। बाकी अगर आपका इंटरनेट 5G है तो थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, उतना मेरे को पता नहीं। फिर भी आप फायदा उठा सकते हो, डाउनलोड करके रखो, लॉगिन करके रखो, डेली सुबह उठकर 15 मिनट तक गेम खेलो यार, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खेल लेना। तो चलो गाइस अब ट्राई करते हैं हमारा अगला क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन को। तो हमारा अगला क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन है स्टार पार्क एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर भी आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंपली गूगल या फिर फेसबुक से साइन अप कर पाओगे। इस एमुलेटर में भी आपको बहुत ही बड़ा गेम का लाइब्रेरी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन यहाँ पर मेरे को GTA 5 देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मेरे को वॉच डॉग्स 1 और वॉच डॉग्स 2 दोनों गेम देखने को, दोनों गेम काफी बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम है। GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि इसमें अवेलेबल है, वो एक अच्छी बात है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने वॉच डॉग्स 2 को प्ले किया और लगभग 20-25 मिनट तक वेटिंग लिस्ट में रहने के बाद यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। और गाइस इस एमुलेटर में आपको जो पीसी मिलता है उसमें एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ होता है। बाकी गाइस इसमें एक सबसे अच्छा फीचर यह है कि इसमें आपको लेटेंसी बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप मेरी उंगलियों के मूवमेंट और स्क्रीन में माउस का कर्सर का जो टाइम का गैप है ना, वो देख सकते हो, बहुत ही कम लेटेंसी है जिससे आपको गेम खेलने में काफी मजा आएगा। और गाइस इसमें पिंग भी काफी बढ़िया मिल रहा है, तो गेम भी लैग नहीं होगा और लेटेंसी भी बहुत ही कम है, तो गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर अपना वॉच डॉग्स 2 तो स्टार्ट हो गया था और फर्स्ट मिशन भी चालू हो गया था, लेकिन मैंने इस एमुलेटर में एक बार भी गेम प्ले नहीं किया, इसलिए यहाँ पर गेम खेलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। अगर इसकी कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स में यहाँ पर कीबोर्ड की बटन के कंट्रोल मिलते हैं, जिसके कारण गेम खेलने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। अगर इसमें भी दूसरे क्लाउड गेमिंग एमुलेटर्स की तरह गेमिंग कंट्रोलर के ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स होते तो और भी ज्यादा गेम खेलने में आसान होता था। क्या पता भाई इसमें हम कस्टम भी बना सकते, लेकिन मैंने उतना ज्यादा ट्राई नहीं किया। इनबिल्ट में तो आपको ऑटोमेटिकली कीबोर्ड के कंट्रोल से मिलते हैं, जिसके थ्रू गेम खेलने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बाकी गाइस बहुत देर तक गेम खेलने के बाद भी मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कंट्रोल्स तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगे, मैं खेल ही नहीं पा रहा था, मैं फायर ही नहीं कर रहा था यहाँ पर। अगर एमुलेटर की ओवरऑल की बात करें तो इसमें ग्राफिक्स काफी बढ़िया देखने को मिलता है, पिंग भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और लेटेंसी तो बहुत ही लो है। अगर आपका इंटरनेट ठीक ठाक है तो इसमें आपको गेम खेलने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ कंट्रोल का प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें क्या पता कस्टम भी बना सकते हैं, आप ट्राई कर लेना। बाकी यहाँ पर प्ले टाइम के लिए आपको बहुत सारे टास्क देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको गेम में प्ले टाइम मिल जाएगा और आपको डेली सिर्फ 8 देखने पर ही 90 मिनट का फ्री प्ले टाइम मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का प्ले टाइम। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी देर तक 8 देखना पड़ेगा, देन आप खेल पाओगे। अगर इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें क्यू का प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। मेरे को गेम स्टार्ट करने के लिए लगभग 20 मिनट तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा था और इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है, आपका फेवरेट गेम GTA 5 इसमें अवेलेबल नहीं है। क्या पता आप फ्यूचर में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में इसमें GTA 5 आता है ना भाई, ये एमुलेटर बेस्ट एमुलेटर बन जाएगा। ओवरऑल गाइस एमुलेटर ठीक ठाक है, आप यहाँ पर GTA 5 के अलावा दूसरे गेम्स को ट्राई कर सकते हो और फ्यूचर में यहाँ पर GTA 5 भी आ सकता है। इन्हीं दो क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन को बहुत सारे यूट्यूबर सबसे बेस्ट बता रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतने ज्यादा बेस्ट भी नहीं है, बस ठीक ठाक एमुलेटर से जिन्हें आप यूज कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप सच में सबसे बेस्ट क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन को चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, जल्दी से वीडियो पे क्लिक करके देखो। इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन है उनमें से सबसे बेस्ट क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन को बताया हूँ। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी ऐसे मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
slim them, you know.